हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सूजी से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाएंगे, जिसे बनाना भी बहुत आसान है और इसे बनाने में बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल होगा। यह बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता तो है ही, इसे टिफिन में भी दिया जा सकता है। तो चलिए ये हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर 1 से 2 चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल के गरम होते ही इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच राई या सरसों, 1 छोटा चम्मच डालेंगे सूखी उड़द दाल। ये भीगी हुई उड़द दाल नहीं है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 7 से 8 करी पत्ते डालेंगे। करी पत्ते भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और फ्लेवर तो अच्छा आता ही है इनका। कुछ दाने सूखी मेथी के डालेंगे। मेथी दाना आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करने से इसमें कड़वापन आने लगेगा। थोड़ी सी मेथी दाना इस्तेमाल करने से टेस्ट भी अच्छा आएगा और जो मेथी दाना होता है वो डाइजेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो कुछ सेकेंड के लिए तेल में इन चीज़ों को हमने पका लिया है, जिससे इनमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है और इसी से इस नाश्ते का जो फ्लेवर होता है वो और भी बढ़ जाता है। अब आधा छोटा चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। तो कुटी हुई लाल मिर्च को जब हम तेल में थोड़ा सा पका लेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो इसकी जगह हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर साबुत मिर्च को पहले डाल दें और जब वो पक जाएँ तो फिर निकाल भी सकते हैं, जिससे बच्चे भी इजीली इसे खा सकें। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 कप ये नारियल का पाउडर। आप चाहें तो फ्रेश नारियल पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर सूखे नारियल का पाउडर इस्तेमाल किया है। तो नारियल फ़ायदेमंद भी होता है और इसे फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा मिलता है इस नाश्ते को। तो नारियल को हमने कुछ सेकंड के लिए पका लिया है। अब क्योंकि इसके अंदर हमने कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, तो ये जो नाश्ता है वो थोड़ा सा लाइट रेड कलर में बनेगा। यदि आप साबुत लाल मिर्च को पहले डाल देते हैं फिर निकाल देते हैं तो वो एकदम वाइट बनता है। तो अब बारी आती है इसके अंदर सूजी ऐड करने की। तो 1 कप हम सूजी ले लेंगे। मैंने यहाँ पर वाइट वाली सूजी ली है, जिसे रवा भी कहते हैं। तो मैं आपको पैकेट दिखाती हूँ, ये इडली रवा हम इस्तेमाल करेंगे। तो इससे ये जो नाश्ता होगा वो बहुत ही टेस्टी बनता है, इसका टेस्ट ज़्यादा बेटर आता है। लेकिन आप चाहें तो नॉर्मल सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने 1 कप सूजी का लिया है, लेकिन इस सूजी से कम 12 से 13 पीस बनकर तैयार हो जाते हैं। तो काफ़ी क्वांटिटी में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। अब इस सूजी को कढ़ाई में डालकर हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। यदि आपको सुबह सुबह जल्दी रहती है नाश्ता बनाने की, तो इस तरह आप तड़का बनाकर सूजी को पहले ही रोस्ट करके अच्छे से ठंडा करके फिर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपको सुबह नाश्ता बनाना हो तो झटपट से आगे की प्रोसेस कर सकते हैं, तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। तो सूजी अच्छी रोस्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। तो इसके अंदर अब 3 कप पानी डाल देंगे। 1 कप सूजी ली थी तो उस हिसाब से हम 3 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी मात्रा में पानी को अब्सॉर्ब करती है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर लेंगे और बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब जैसे जैसे सूजी पकेगी ये पानी को अब्सॉर्ब करेगी और काफ़ी अच्छे से फूल जाएगी। ये नाश्ता साउथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इसे साउथ इंडिया में पुंडी कहा जाता है और ये बहुत ही हल्का फुल्का रहता है। यदि आप साउथ इंडियन खाने के शौकीन हैं तो ये नाश्ता आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो जैसे जैसे सूजी पक रही है आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मात्रा में ये पानी अब्सॉर्ब कर रही है और फूल रही है। तो अभी इसे हम 1-2 मिनट के लिए और पका लेते हैं ताकि अच्छे से फूल जाए और एकदम जमने वाली कंसिस्टेंसी तक पहुंच जाए, ताकि बाद में जब हम इसे शेप दें तो इजीली इसे शेप दे सकें। सूजी काफ़ी अच्छे से फूल कर सेट हो गई है, सारा पानी इसने अब्सॉर्ब कर लिया है। बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल कर थोड़ा ठंडा कर लेंगे और जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो हाथों में इस तरह पोर्शन लेके इसे गोल करके फिर फ्लैट कर देंगे और बीच में इस तरह हम छेद कर देंगे। तो एकदम बड़े की जैसी शेप हमें देनी है इसकी। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो सारे पीसेस हम इसी तरह बनाकर एक स्टीमर प्लेट या फिर आप चाहें तो नॉर्मल प्लेट में भी रख सकते हैं। तो ये एक बैच तैयार हो गया है, इसे स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया है और ऊपर स्टैंड रख दिया है। कढ़ाई के बजाय आप इसे इडली कुकर में भी बना सकते हैं। तो पानी गर्म हो गया है, अब ये प्लेट इस स्टैंड पर रख देते हैं, कढ़ाई को कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे स्टीम कर लेंगे।
तो 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए इनका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और काफ़ी अच्छे से ये फूल गए हैं। तो इस तरह स्टीम कर लेने से ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा टेक्सचर इनका आता है। अब ये थोड़े ठंडे हो गए हैं तो इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। तो आप इसे लहसुन की चटनी, नारियल की चटनी या फिर सांभर के साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो ये एक पीस हम तोड़ के देखते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सिंपल, लाजवाब नाश्ता बनकर तैयार है। तो आप भी जल्दी से ये नाश्ता बनाएं और इसका मज़ा उठाएं। फ्रेंड्स, कैसे लगी आज की ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो आप एक बार जरूर ट्राई करके देखें। यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।